हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलाई का काम आप पहली बार कर रहे हैं, आप बिगनर्स हैं, आपको सिलाई नहीं आती है, तो शुरुआती में सिलाई किस तरीके से फिनिशिंग से किया जाता है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये दो पार्ट में, पहले भाग में हम सीखेंगे कि सिलाई का काम आप शुरुआती में सीख रहे हैं तो कटिंग होती है उसको किस तरीके से फिनिशिंग से किया जाता है, कटिंग को किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। और अगले पार्ट में हम सीखेंगे सिलाई का काम कर रहे हैं तो आखिर सिलाई होती है उस किस तरीके से सीखा जाता है, सिलाई की मशीन किस तरीके से चलाई जाती है, उसमें धागा किस तरीके से मैचिंग किया जाता है और सिलाई को किस तरीके से फिनिशिंग से किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरुआती में कटिंग होती है वो किस तरीके से सीखी जाती है, फिनिशिंग से कटिंग किस तरीके से की जाती है तो ये हम सीखेंगे। तो सब शुरुआती में आपको क्या करना है, ये जो पेपर होता है उस पे आपको कटिंग करना है, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करना है। पहले क्या करना है, आपको पेपर पे सभी अच्छे से कटिंग करना सीखना है। नहीं तो क्या होता है कि डायरेक्ट हम कपड़े पे करते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है वो खराब हो जाता है। इस कारण से हमें पहले जो अखबार होता है या रद्दी पेपर होता है उस पे आपको कटिंग का प्रैक्टिस करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौक को लेना है या फिर आप पेन ले सकते हैं या फिर आप मार्कर ले सकते हैं, एक हमें स्केल की जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें जो कटिंग कोई भी आप सूट की कटिंग कर रहे हैं तो ये निशान होता है वो एकदम सीधा लगाना सीखना है, ना कि इस तरीके से आंटा टूटा आप ऐसे लगा दे तो जो भी आप निशान लगा रहे जो निशान होता है एकदम सीधा लगना चाहिए। कहीं भी आप निशान लगाओगे तो एकदम सीधा लगेगा, तब भी हमारे जो कटिंग होती है एकदम फिनिशिंग से होगी। जैसे कि हम स्केल से निशान लगाते हैं इस प्रकार से लगता है, आप चाहे तो ऐसे सीधा लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम सीधा है, बिना स्केल की मदद से आपको सीखना है, न कि हमें इस तरीके से हमें क्या करना है, एकदम हाथ एकदम सीधा रखना है और धीरे धीरे जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है, एकदम हाथ एकदम बराबर रखोगे तो ये निशान होता है वो एकदम फिनिशिंग से निकल जाएगा इस प्रकार से, न कि ऐसे ऐसे होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसकी कटिंग करें कोई भी सूट की कटिंग करें तो निशान है एकदम सीधा लगाना है, एकदम फिनिशिंग से निशान लगेगा तो कटिंग होती है वो एकदम फिनिशिंग से होगी। तो ये हमें ध्यान रखना, पहला टिप्स हमारा यही है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब भी कोई सूट की कटिंग कर रहे हैं तो ये जो शुरुआती में आपको जो कॉटन के कपड़े होते हैं उस पे आपको कटिंग करना है, इस प्रकार के जो पेटीकोट के कपड़े होते हैं या फिर और भी सूती कपड़े होते हैं उसका यूज करना है। उससे क्या होता है कि शुरुआती में साटन वगैरह कपड़े होते हैं वो हार्ड होता है कटिंग के लिए, तो आपको इजी रहेगा ये जो सूती कपड़े होते हैं उस पे आपको कटिंग करना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, कटिंग को फिनिशिंग से करने के लिए हमें कैंची को चलाना सीखना पड़ता है। पहले हमें क्या करना है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, हाथ को राइट हाथ होता है उससे हमें सीखना है, लेफ्ट हाथ में नहीं सीखना है, राइट हाथ होता है उसमें हमें सीखना है। हमें क्या करना है, इस प्रकार से टाइट पकड़ना कैंची को, ये जो नोक होती है इसको ऐसे चिपकी होनी चाहिए इस प्रकार से, ना कि इसे लूज रखना है, लूज रखोगे तो कटिंग एकदम फिनिशिंग से नहीं होगी। सिंपली हमें क्या करना है, इस प्रकार से आपको पकड़ना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है। पहले शुरुआती में आप इस प्रकार से हम टाइट पकड़ के इसे जैसे हम कटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से चलाना है, इस प्रकार से आप चलोगे तो आपकी कटिंग होगी वो एकदम फिनिशिंग से होगी, ये हम ध्यान रखना। जैसे कि हमारे यहाँ पे निशान लगाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस प्रकार से इसे कट कर देना है। तो जैसे कि मैं इसमें एक निशान लगा देता हूं, तो एक निशान लगा दिया, ये निशान लग गया। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे चलाना है कैंची को एकदम टाइट पकड़ के, इस प्रकार से इसे सीखना है। देखिए चौक होती है इससे हमें करना है, ना कि हमें इस प्रकार से इसे करना है, इस प्रकार से ऐसे कट करोगे तो ये सही नहीं कटोगे, तो हमें नोक होती है उसकी मदद से हमें ऐसे कट करना है। ये देखिए ये हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से आप कट करोगे तो कपड़ा है वो एकदम फिनिशिंग से कट होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद में हमें क्या करना है, इंच टेप को समझना है कि इंच टेप को किस तरीके से यूज किया जाता है, इंच टेप की मदद से नाप किस तरीके से लिया जाता है और मीटर में कितने इंच होते हैं, उसका 1/4 किस तरीके से निकालते हैं, 1/4 भाग किस तरीके से निकाल जाता है, कितने इंच का लूजिंग दिया जाता है, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में हमारा इंच दिए हुए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए, यहां तक हमें जहां पे हमारा 39 इंच होता है वहां पे हमें एक मीटर होता है। जैसे भी आपको कोई कपड़ा नाप रहे हैं तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 39 इंच पे ले लेना है, तो आपका जो कपड़ा होगा वो 1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद में आप चाहे तो सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो आप सेंटीमीटर से भी आप नाप ले सकते हैं। हालांकि जब हम कोई भी सूट की कटिंग करते हैं तो इंच से हम करते हैं, ना कि हम सेंटीमीटर से करते हैं, तो सेंटीमीटर बहुत छोटे छोटे होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से एक हमारा मीटर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे कि आपके जो सूट है उसमें आप कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपका बॉडी मेजर लेना है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको नाप लेना है, जैसे कि ये बॉडी मेजर है तो इस प्रकार से इसे नाप लिया जाता है। जैसे कि ये हमारा 30 इंच है, 3 इंच है, तो 30 इंच आप मान के चलो, ऐसे डायरेक्ट आप नाप ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, 30 इंच है उसमें अंदर हमें 3 इंच और ऐड करना है, ये लूजिंग दिया जाता है, 30 सीना हो गया, उसके अंदर हमें 3 इंच ऐड कर देना है, ये लूजिंग के लिए दिया जाता है। ये लूजिंग के लिए क्यों दिया जाता है, नहीं तो ये हम डायरेक्ट पहन नहीं सकते कपड़े, डायरेक्ट एकदम फिट बना दोगे कपड़ा होता है वो खराब हो जाता है, और डायरेक्ट आप पहन भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितना हमारा 30 इंच सीना है तो 30 में 30 बना दोगे तो ये जो कपड़ा होता है वो सही तरीके से बैठता नहीं है, एकदम फिट हो जाएगा, बहुत ही टाइट हो जाएगा। इस कारण से ये 3 इंच लूजिंग दिया जाता है। कोई भी आपका नाप होता है और बड़ा नाप होता है, जैसे कि आपका 50 सीना है या 45 सीना है, उसमें 4 इंच ऐड कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपका 30 इंच सीना है उसमें आपको 33 इंच हो जाएगा, 30 + 3 = 33, 33 का 1/4 भाग हमें निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से निकालना है, आपको शुरुआती में ये प्रॉब्लम आएगी तो ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसकी मदद से आप आसानी से शुरुआती में ये जो 1/4 निकाल सकते हैं। बाद में आप बड़े ज्यादा कटिंग करोगे तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि हमारा 33 इंच का 1/4 कितना होगा, या फिर आपका 40 इंच का 1/4 कितना होगा, अपने आप आइडिया आ जाएगा। शुरुआत में ये थोड़ा हार्ड होगा कि किस तरीके से रखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 33 इंच आया, 3 इंच लूजिंग दिया, 30 इंच हमारा सीना था, 3 इंच ऐड किया तो 33 हो गया। उसमें हम क्या करना, डायरेक्ट हमें इस तरीके से इंच टेप को लेना है, तो इस प्रकार से हमारा आधा हो गया। इसके बाद में एक और फोल्ड कर देना है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो 1/4 निकल जाएगा। तो 33 का 1/4 भाग होता है वो 8.25 इंच होता है, तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से होता है 8.25, ये हमारा हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जितना भी कितना भी आपका सीना है उसके अकॉर्डिंग आप 1/4 भाग करोगे इंच टेप का, तो आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इंच टेप को यूज किया जाता है। आप डायरेक्ट आप लहंगे का नाप ले रहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, कुर्ती और कांचली का सभी इस प्रकार से ले सकते हैं। सूट का नाप किस तरीके से लिया जाता है इसका मेरे प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी माध्यम से आप आसानी से नाप ले सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, हम सीखेंगे कि गोलाई में किस तरीके से कैंची को चलाया जाता है। हम डायरेक्ट ऐसे सीधी तो चला दी, सीधी तो हर कोई चला सकते हैं, तो सीधी चलाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। एकदम कैंची है एकदम आगे से एकदम सीधा रखोगे तो अपना आप कपड़ा है वो कट हो जाएगा सीधा। तो अब हम सीखेंगे कि गोलाई में किस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले चौक से मार्क करना है। जैसे कि कोई भी आप गला कट कर रहे हैं तो मैं इसमें जैसे कि 9/8 का गला कट कर रहा हूं, ये देखिए इस प्रकार से एक निशान लगा दिया। इसके बाद में 3 इंच का यहाँ पे निशान लगाया, और चौड़ाई में जैसे कि आपका 8 इंच रख रहे हैं, चौड़ाई 8, तो 8 का आधा ले लेना है, तो हमारा 4 इंच चौड़ा रखना है, तो यहाँ पे
चार इंच पे एक निशान लगा देना है। इसके बाद में हमें ऊपर से पौने दो रखना है, तो इसको ऐसे क्या करना है, टिक टिक से पहले मिलाना है, एकदम सीधा निशान लगाना है, या फिर आप स्केल की मदद ले सकते हैं। स्केल को सिंपली हमें इस प्रकार से मिलाना है, इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, या फिर आप ऐसे टिक टिक मिला के आप डायरेक्ट ऐसे मिला सकते हैं। इसके बाद हमें गोलाई में मिलाने का भी तरीका होता है, आप गोलाई भी आप स्केल की मदद से ले सकते हैं। स्केल की मदद से गोलाई किस तरीके से लेते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमने 4 इंच लिया, तो हमें यहाँ से भी हमें 4 इंच लेना है। इस तरीके से आप आर्महोल में भी ऐसे गोलाई ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से निशान को बड़ा करना है। मैं मार्कर का यूज करता नहीं तो वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, मार्कर की मदद से इसे निशान बना देता हूँ। और इस साइड में हमें इस तरीके से इसे बॉक्स बना देना है। जैसे कि हमने यहां से 9 इंच रखा, तो यहां से भी 9 इंच रखना है, ये लंबाई है जो, इस प्रकार से ऐसे रखना है। तो इस प्रकार से हमारा जो बॉक्स है वो बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको भी हमें बड़ा कर देना है। ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन को तिरछी है उसको भी सेंटर में ऐसे लाइन बना देनी है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से लगभग मैं 1.25 इंच यहां से रख देता हूं। ये देखिए इस प्रकार से रख दिया, और ऊपर से हमने 1.25 इंच रखा था, उसको हमें क्या करना है, स्केल की मदद से आप लाइन बना सकते हैं, या फिर आप टिक टिक करके ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे निशान को लगाना है, हल्का से ऐसे बाहर निकालना है, इस प्रकार से। इस तरीके से हमने ये मार्क है वो कर दिया है, हल्का सा बाहर निशान को बाहर निकाला था हमने। इस प्रकार से एकदम कंप्लीट तरीके से आप गले की मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से आप आर्महोल का भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो आर्महोल किस तरीके से मार्क करना है, तो जैसे कि आपको शोल्डर रखना है उसके अकॉर्डिंग शोल्डर का नाप भी ले सकते हैं आप, डायरेक्ट आप बॉडी पे आप नाप ले सकते हैं। नॉर्मली शुरुआती में 13 से स्टार्ट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं उसके सीने के अकॉर्डिंग में 14 रख देता हूं, तो जितना हमें आर्महोल रखना है उसका हमें आधा ले लेना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें 7 इंच पे एक निशान लगा देता हूं, 14 का आधा होता है 7 इंच, ये 14 था। तो आपको क्या करना है, यहां से भी हमें 7 इंच पे रख देना है, और इसके बाद में हमें क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे निशान लगा देना है। और यहां पे हमें क्या करना है, सीने के अकॉर्डिंग हमें मैं 7.25 इंच रख देता हूं, तो यहां पे हमें इस तरीके से बॉक्स बना देना है वापिस। इसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर की तरफ हमें लगभग 1.5 इंच का एक निशान लगाता हूं, ये जो बॉक्स बना है उसके अंदर सिर्फ निशान लगाता हूं, और इस निशान को ऐसे मिला देता हूं। ये देखिए इस प्रकार से मिल गए, और यहां पे एक तिरछी लाइन बना देना है, और यहां से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है, और सिंपली हमें यहां से शुरू कर देना, लगभग 20 सेंटर में शुरू करना है, और यहां पे हमें इस तरीके से मिला देना है। हल्का सा इसके अंदर से तरफ ले लेना है, यहां से स्टार्ट करना है हल्का सा। इस प्रकार से हमने आगे का मार्किंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें 1 फॉल रख देना है, तो जैसे कि मैं इसमें 33 सीने के अकॉर्डिंग हमने निशान लगाया है, तो 33 + 3 बराबर हमें 3 इंच लूजिंग के लिए लिया है, तो 36 इंच का 1/4 होता है 9 इंच, तो 9 इंच पे हमें सिंपली हमें इस तरीके से निशान लगा देता हूं,
और आगे और मार्जिन होता है, ये मार्जिन एक्स्ट्रा होता है, ये अंदर की तरफ रहता है, कोई भी सूट हो, ब्लाउज हो और कुर्ती हो, सभी में ये लूजिंग दिया जाता है। बाद में कई बार सीना बढ़ जाता है तो आप उसमें बाहर है वो मार्जिन है निकाल सकते हैं, इस प्रकार से रखा जाता है। इसके बाद में हम क्या करना है, इसी तरीके से पीछे का आर्म होल रख सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स बनाया है बॉक्स पे हमें दृष्टा निशान लगाना है, इस प्रकार से, इस तरीके से निशान लगाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लगभग 1 इंच इस पे भी हमें निशान लगाना है, ये देखिए इस तरीके से निशान लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे शुरू करना है और इस निशान पे ले जाना है, इस प्रकार से हमें पीछे का मार्ग आर्म होल है वो बना देना है। इस प्रकार से हमें आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं, गोले में ऐसे टर्न ले सकते हैं, ये हमने त्रिज्या निशान लगाए हैं उसकी मदद से आप इस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, गोले में किस तरीके से फिनिशिंग से कट किया जाता है, तो आपको क्या करना है, कैंची को एकदम टाइट पकड़ना है, इस प्रकार से पहले हमें ट्राई करना है, इस तरीके से इसे गोलाई ये घूम जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ को घुमाते हुए हमें सिंपली हमें इस प्रकार से इसे लेना है, ऐसे एक छोटा सा कट बनाना है, इसके बाद में धीरे धीरे कटिंग को करना है। एक हाथ से ये जो कपड़ा है एकदम टाइट पकड़ देना है, कपड़ा है वो आगे खिसक जाता है कई बार, तो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेना है, जहां पे हमारे मार्किंग किया है उसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे कट कर लेना है, देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। इसके बाद में आर्म होल है वो भी हमें इस प्रकार से कट कर लेना है, पहले हमें आगे का आर्म होल कटिंग किया जाता है, ये देखिए ये हो गया। इसके बाद में आपको पीछे का आर्म होल है वो हमें कट करना है, इस प्रकार से हमें कट करना है। ये हमारा आगे का आर्म होल हो गया, इसके बाद में ये पीछे का हो गया, इसके बाद में ये हमारा जो इस तरीके से ये मार्जिन है। इस प्रकार से आप आसानी से कोई भी गोलाई है वो टर्न वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी आप सूट कटिंग करेंगे उसको किस तरीके से जमाते हैं वो हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी सूट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पहले हमें कपड़े की कान को निकाला जाता है, जैसे कि हमारा कपड़ा है तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले फिनिशिंग से कट करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कान को निकाल देना है इस तरीके से, या फिर आप चौक की मदद से आप निशान लगा सकते हैं, इस प्रकार से स्केल की मदद से निशान लगा के हमें कट कर लेना है, इस तरीके से भी कान को निकाल देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी लंबाई कट करनी है, तो जैसे कि आपकी कुर्ती की लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है, तो इस तरीके से इसे 1/4 में ऐसे जमा देना है, या जैसे कि हम किनारी है दोनों साइड में तो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी हमें लंबाई है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना है, तो जैसे कि हमारी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग मैं कट कर लेना हूं, तो इंच टेप की मदद से नाप ले लेता हूं, हालांकि मैं इसमें डेमो बता रहा हूं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग में जैसे कि आपकी 25 है तो उसके अकॉर्डिंग 25 इंच कुर्ती कट कर देनी है, इस प्रकार से कुर्ती हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, कुर्ती को 20 सेंटर से ऐसे कट कर देना है और ऐसे 1/4 में ऐसे इस तरीके से ऐसे दोनों को साइड में ऐसे जमा देना है, अच्छे से ऐसे नाखून लगाना है, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे जमाना है, इस प्रकार से इसे जमाया जाता है, ये इस प्रकार से छोटे नाप में जमाया जाता है। बड़े नाप को इसमें क्या होता है कि उसमें आपको जैसे कि ये हमने पहले कट किया जैसे कि 25 इंच कुर्ती, तो 25 इंच भी डायरेक्ट ऐसे कट कर लिया। बड़े नाप में आपको क्या करना होता है, 25 का डबल लेना है, तो जैसे कि 25 इंच पे निशान लगे इसके बाद में इस तरीके से इसे लेना होता है, इस प्रकार से लेना होता है। इसके बाद हमें यहाँ से कट करना होता है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं इसमें पूरे जमा देता हूँ इसमें, बाद में आपको इस तरीके से, इसके बाद में इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कुर्ती के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से लेना होता है, जैसे कि हमने ये 25 इंच का डबल लिया हुआ है तो आपको क्या करना होता है, इस तरीके से नाप लिया जाता है। अब हमें क्या करना है, उसका 1/4 रख के साइड में इसमें कांसली सेट की जाती है, इस प्रकार से होता है, डायरेक्ट आप इस प्रकार से ले लिया और एक्स्ट्रा वो कपड़ा कट कर देना, साइड में कांसली सेट कर देनी है, इस प्रकार से इसमें बड़े साइज में ना जमाया जाता है, इस तरीके से हमें यूज करना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से शुरुआती में कटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप शुरुआती में कॉटन के कपड़े होते हैं
उस पे आपको ट्राई करना, या फिर आप पेपर पे यूज करना है। शुरुआती में इस प्रकार से हम ध्यान रखना है, शुरुआती में चौक को सीधा चलाना सीखना है और कैची को एकदम सीधा टर्न करना सीखना है, इस प्रकार से हमें यूज करना है। शुरुआत में आप काम कर रहे हैं तो ये हम टिप्स को फॉलो करना है, आप इस तरीके से इजी तरीके से सीख सकते हैं। और वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलाई को फिनिशिंग से करने के लिए कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, उन टिप्स को मदद आसानी से सिलाई को फिनिशिंग से कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा, तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।